सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले से तरह जैसे कि आप लोगों को नॉलेजेबल कंटेंट मैं देते आ रहा हूँ, तो आज के भी कंटेंट पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी सारा लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ आप लोग के सामने 1 मिनट का, विथ डीप एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, डिटेल में आपको मैं बताऊँगा। विथ दैट यहाँ पे लास्ट में आपको एक विड्रॉल प्रूफ में दिखाने वाला हूँ 13,000 का, जो भी मैंने प्रॉफिट किया हुआ है। आपने लीडर बोर्ड देखा ही होगा, ये जो भी है आज का $12,000 समथिंग प्रॉफिट है, और यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हो 7,000 समथिंग है। तो $13,000 जो भी मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ था वो मैंने विड्रॉल कर लिया है बैलेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, लास्ट में उसका भी विड्रॉल प्रूफ में दिखाऊँ कितना टाइम में मुझे क्रेडिट हुआ नहीं हुआ। वो चीज़ मैंने ऑलरेडी डाल दिया था स्क्रीनशॉट BTC वॉलेट क्रेडिट का टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो देन ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे फ्री सिग्नल मैं प्रोवाइड करता हूँ। विद डेट अगर आपको मोर एक्यूरेट सिग्नल चाहिए देन आप VIP ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो, बट उसके लिए भी कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता, बस वही है क्वाटेक्स का अकाउंट मेरे लिंक से क्रिएट करना पड़ता है, बस वही है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे GB का जो भी मार्केट है, एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल सकता है, बट देख दूसरा एसेट देखते हैं USD। USD का मार्केट आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, और कितना बड़ा बड़ा रिजेक्शन आप देख रहे हो, तो ऐसे मार्केट को आप इग्नोर करो ही तो बेटर है। हाँ, उसके साथ एक चीज़ बोलना है, अगर आप लोग को बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये सब इग्नोर करना, क्योंकि पूजा के दिन है तो घर में थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है, तो इसलिए जो भी बैकग्राउंड नॉइज आएगा उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमें देखो ये जो मोमेंट हो रहा है, अब कहीं पे भी देखो USD का रिजेक्शन होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब मार्केट को आपको इग्नोर करना चाहिए, बट अगर जैसे ये मार्केट फॉल हो रहा है, आप देखो ये बॉटम में एक हमें एक स्ट्रॉन्ग SNR लेवल है, ठीक है, तो सपोर्ट लेवल है, तो उस लेवल को आकर टच करेगा तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। अगर ये इस पॉइंट पे कहीं पे क्लोज होता है उसके बाद और एक कैंडल चांसेस रहेगा अपना अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने के लिए, बट मैं यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया हूँ। थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पे, ये जो स्पेस है आप देखना मार्केट नीचे आएगा, उस स्पेस को टच करके आके रिवर्स लेके अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। देखो गाइस मैं यहाँ पे दो चीज़ कर सकता था, एक तो वेट करता ये कैंडल अगर मेरा रेड डजी बनता तो फिर मैं नेक्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाता, बट मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन इसलिए लिया क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे उतना टाइम पेशेंस के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो मैं यहाँ पे अगर ट्रेड प्लेस नहीं करता तो मुझे ये रियलाइज करना पड़ता मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिस हो गया, ठीक है। बट अगर ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बनता तो फिर मैं क्या करता अगला कैंडल पे वहाँ पे डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस कर देता, क्योंकि हम लोग SNR लेवल पे ट्रेड करते हैं और कभी कभी हम लोग रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस माइनस 1 एरर कभी कभी दिख जाता है, बट आजकल हम लोग नॉन मार्टिंगल सिग्नल फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट 95% केसेस होता है डायरेक्टली विन हो जाता है, और 5% केसेस में अगर अपना लॉस भी होता है छोटा मोटा फ्लक्चुएशन के चलते, कभी डोजी बन जाता है ये होता है, तो उस चक्कर में हम लोग वहाँ पे 1 स्टेप यूज करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बट मार्टिंगल का मतलब ये नहीं कि आपको 3 स्टेप 4 स्टेप करके आपका बैलेंस खाली होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज तक इतना दिन मतलब लास्ट 4 महीने से हम सिग्नल प्रोवाइड करें VIP सिग्नल, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया मतलब जिस दिन अपना लॉस में एंड ऑफ हुआ है, ठीक है। हाँ लॉस होता है बट वो धीरे एंड ऑफ द डे हम लोग प्रॉफिट में एंड करते हैं, ठीक है। देखो भाई मैंने ये लेवल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा होता है, मार्केट देखो उसी लेवल पे आया, वहां से देखो रिजेक्शन ले रहा, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, बट मार्केट देखो आके उसी लेवल पे आके रिजेक्शन लेके ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही आपको लेवल ड्रॉ करके रखना पड़ता है पेशेंस के साथ, आपको वेट करना पड़ता है उस लेवल को आके जब टच करता है तभी आपको ट्रेड लेना पड़ता है। इसीलिए आप देखे होंगे मैं बैठा रहता हूँ सिस्टम के सामने, मुझे जैसे मिलता है तब मैं ग्रुप में कभी कभी एक दो सिग्नल शेयर कर देता हूँ। आपने देखा ही होगा थोड़ी देर पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी का भी सिग्नल दिया था, जो चीज़ है वहाँ पे वन स्टेप पे वो विन हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्यों मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया। अगर आप देखोगे ये जो है मेरा प्लेसिंग थोड़ा सा गलत हुआ, बट कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो लेवल है डोजी लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पे एक मतलब 3-4 कैंडल है, एक मतलब सेम पॉइंट पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे एक डिमांड जोन मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट अगर हम लोग करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा, वो जो जोन होगा ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए देखो मैंने वहाँ पे जैसे बोला था उस लेवल तक आएगा, वहाँ से मार्केट रिवर्सल आएगा, और आप देखो मार्केट उसी पॉइंट से एग्जैक्टली क्लोज हुआ, और उसके बाद देखो मार्केट रिवर्सल होकर अपर डायरेक्शन के लिए जा रहा है, ठीक है। दूसरा एसेट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे USD का मार्केट भी, देखो मार्केट नीचे जा रहा है, एक सपोर्ट लेवल था जिसको इसने तोड़ के फिर ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर हमें एंट्री मिलेगा तो प्लेस करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये मार्केट को इग्नोर करेंगे,
ठीक है। यूएसडी जेपीवाई का मार्केट आप देख रहे हो, ये अपना जो है विन हो चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस किया था। मैं दो लेवल है आप ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा कि ये जो लेवल है ना, आप देख रहे हो ये रेड कैंडल है, उसके बाद देखो ग्रीन हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट है कि रेड ही है, ग्रीन है, मतलब ये जो चार चार कैंडल है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर हम लोग देखेंगे एक सेम लेवल पे हुआ है। ठीक है, रिपीटेडली हुआ है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हुआ था कि एक बार बार अगर सेमी पॉइंट से रिजेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग जोन क्रिएट होता है, और आप देखना इसी जोन के ऊपर ही एग्जैक्टली वो वाला कैंडल क्लोज हुआ होगा। ठीक है, जो रेड कैंडल, और यहाँ पे भी देखो एक रेजिस्टेंस जोन हुआ है, ये सपोर्ट है, और प्रीवियसली भी अगर आप देख रहे हो ये लेवल भी एक सपोर्ट है, और हिस्ट्री अगर हम लोग और ज़्यादा देखेंगे तो और भी हो सकता है। ठीक है, और ये कैंडल देखो एग्जैक्टली रेड कैंडल आके उसी लेवल के ऊपर एग्जैक्टली क्लोज हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस किया था, और ये ट्रेड भी अपना विन था। ठीक है, बस वैसे ही आपको एनालिसिस करके देखना होगा, ये रेड कैंडल बना, अगला ट्रेड हम लोग अपर के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा मैं वेट कर सकता था यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रीवियस कैंडल बना हुआ है एक टेललेस कैंडल, इसका कोई टेल नहीं है, बट ये रिजेक्शन लिया तो मुझे लगा देखो ये धीरे 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 छोटा होते आ रहा था कैंडल, तो ज़्यादा तो चांसेस था मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होने का। बट कभी कभी क्या होता ना, आप देखे होंगे मार्केट धीरे 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 छोटा होते आता है, उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जाके रिवर्सल होता है। दैट मीन्स क्या है कि देखो सेलर्स धीरे 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 घटते आ रहे थे, इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट ये डाउन हो गया था, उसके बाद ये कैंडल जो भी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या है कि सेलर्स का जो भी परसेंट धीरे धीरे डाउन हो रहा था, उसके बाद क्या था जो भी बचा हुआ था सेल करने के लिए, वो लोग एक साथ सब कुछ सेल करके मतलब बायर्स को वहां पे एंट्री कर देंगे, इतना बायर्स हो जाएंगे वहां पे सेलर्स ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि मैंने आपको बोला है कभी भी नॉर्मल कैंडल से जब भी एक बड़ा कैंडल होता है तो वहां पे दो चीज होता है, एक तो वहां पे बुलिश या फिर बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल का, या फिर दूसरा चीज होता है एक्जर्शन ऑफ पावर। ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑपोजिट पावर वहाँ पे होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जैसे रेड कैंडल बना, तो इसका मतलब क्या है कि देखो धीरे 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 ऑलमोस्ट यहाँ पे वीक होते आ रहे थे सेलर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, दैट मीन्स ये जो रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है जितना भी सेलर्स थे यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट इसी जोन के बीच में ये खत्म हो गए होंगे। ठीक है, तो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से ये कैंडल को अभी जो रनिंग एक मिनट का कैंडल चल रहा है इसको एज ए ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। ठीक है, बट मेरा जो भी साइकोलॉजी एनालिसिस है कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी, उसके हिसाब से आप देखना ये लास्ट मोमेंट हो कैसे भी हो एज ए ग्रीन में ही क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइव आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो ट्रेड है मेरे हिसाब से 100% आपका ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। 10 सेकंड है, थोड़ा सा रिस्की है, बट मेरे हिसाब से कैंडल ग्रीन होना चाहिए। अब देखो वही चीज़ होता है एनालिसिस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का वैल्यू ही वही चीज़ है। ठीक है, कभी कभी आप लोग क्या सोचते हो कि आपका प्लेसिंग सही नहीं होगा, एनालिसिस सही नहीं होगा, तो आप क्या सोचेंगे कि लास्ट सेकंड में मेरा लॉस हो गया। ठीक है, तो कहीं देखो ट्रेंड जो है मेरा अभी मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, अगर अभी वाला कैंडल आपका ये जो रेड डोजी सॉरी ग्रीन डोजी टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है तो अगला ट्रेड में डाउन के लिए जाऊंगा, क्योंकि ये आपका एक फॉल्स रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है। ठीक है, अभी वाला कैंडल अगर आपका एक ग्रीन डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन होता तो फिर अगला ट्रेड में डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है ये कैंडल, अगर ये सॉलिड कैंडल बनेगा तो फिर हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, सॉलिड कैंडल का मतलब क्या है कि वहाँ पे बायर्स काफ़ी हैवी हैं और काफ़ी मतलब तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। ट्रेंड भी मेरा मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, तो मेरा जो है मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में अभी नहीं जाना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये कैंडल क्या हो रहा है, क्लोजिंग के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अगला ट्रेड डाउन जा सकते हैं या अपर डायरेक्शन जा सकते हैं, अगला चांसेस है डाउन जाने का। बट यहाँ पे आप देख लो ये कैंडल, इसको हम लोग इग्नोर ही करते हैं, अभी यहाँ पे कोई भी परफेक्ट एंट्री नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देखो ग्रीन कैंडल तो फॉर्मेशन हुआ, ये जो स्पेसेस था उस स्पेस को आई थिंक ये कवर करने के लिए ये मार्केट को नीचे आना चाहिए अभी। ठीक है, बट ये ट्रेंड के एगेंस्ट में हम लोग नहीं जाएंगे, अपवर्ड नहीं जाएंगे, डाउनवर्ड जाना चाहिए था। दूसरा असेट्स हम लोग देखते हैं, जहाँ पे एंट्री मिलेगा वहाँ पे हम लोग और भी ट्रेड प्लेस करेंगे। हाँ, ये कैंडल पे हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, और ये कैंडल अब देखना अभी जो करेंट कैंडल चल रहा है ये अगर मेरा ग्रीन डोजी फॉर्मेशन होता है तो अगला ट्रेड में 100% डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए लेने वाला हूँ, बट अगर रेड डोजी बनता है तो मैं चांसेस रहता है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जाने के लिए। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा।
मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के, प्लेस हुआ नहीं, एक प्लेस और कर देता हूँ, प्लेस नहीं हुआ था मेरा परफेक्टली, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 सेकंड लेट प्लेस हुआ है, मैंने क्लिक किया बट हुआ नहीं था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्यों प्लेस किया, अगर आप मेजर ट्रेंड है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि डाउन ट्रेंड है, ये दो कैंडल हो सकता है फॉल्स रिट्रेसमेंट कैंडल हो सकता है, अगर ये दोनों कैंडल सॉलिड कैंडल बनता है तो वहाँ पर रिवर्सल होने का चांसेस था, क्योंकि इतना स्ट्रांग ट्रेंड को जब भी ये मार्केट एग्नेस में जाने के लिए कोशिश करेगा। देखो ये मैं आपको पहले भी बोला हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का सेंटर पॉइंट हमेशा एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे हर एक पॉइंट पे ये रेस्पेक्ट किया हुआ है, ये जो आप लेवल देख रहे हो, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया, हर एक जगह पे ये एक्ट किया हुआ, और देखो मार्केट उसी लेवल से जाके दोनों बार वहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट होने के लिए कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, और आप देख रहे हो ये भी डीप विन चल रहा है अपना। जो भी है मैं आप लोगों के सामने मतलब लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉस भी होगा वो चीज़ भी मैं यहाँ पे हाइड नहीं करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि लॉस हमने क्यों किया और उस लॉस को हम लोग कैसे रिकवरी करेंगे। आप लोग क्या होते हो ना, आप लोग लॉस को कभी झेल नहीं सकते, आप लोग एक दो ट्रेड अगर लॉस हो जाता है आप क्या करते हो, इतना पैनिक हो जाते हो ना, आप चाहते हो कि मेरा दो ट्रेड लॉस हो गया, मेरा एक ही ट्रेड पे रिकवरी हो जाए, तो आप क्या करते हो जितना अमाउंट बचा रहता है उसमें आप ट्रेड ले लेते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अगर आपके पास एक्यूरेसी नहीं है तो मनी मैनेजमेंट आप कम क्या करो। मैंने देखा है कुछ लोगों का ट्रेड हिस्ट्री कि वो लोग क्या करते हैं ना, $5 का ट्रेड लेते हैं, अगर खुद से लॉस हो जाता फिर वो लोग $50 का लेते हैं, $50 का लॉस होता है तो $500 का लेते हैं। भाई यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आप अपने अमाउंट को बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा आप वहाँ पे विन कर जाओगे, नहीं होगा ऐसा, ठीक है। हाँ कभी कभी लॉक आपके साथ दे देगा, आपका विन हो जाएगा, बट ये चीज़ नहीं है, आपको रियल नॉलेज लेना होगा ट्रेडिंग में, उसके बाद जाके आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, ट्रेड करना होगा, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, देन आप VIP सिग्नल यूज करो, उससे आप प्रॉफिट करो, और खुद से भी अगर आप कर रहे हो तो छोटे छोटे अमाउंट के ट्रेड करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हमेशा मत रहो, खुद से भी ट्रेड करो। ये सभी आप ट्रेड हिस्ट्री मेरा देख सकते हो, जो भी ट्रेड हिस्ट्री है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे USDJPY का, बस वही आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, ऐसा हर एक कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, समझ रहे हो ना आप। कुछ लोगों का पेशेंस लेवल ऑलमोस्ट जीरो है, वो लोग क्या करते हैं ना, बस ग्राफ खोल लेते हैं, किसी भी एसेट्स पे ऊपर नीचे ट्रेड प्लेस करते रहते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। आपको ट्रेड जब भी आप ले रहे हो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, परफेक्ट लेवल के लिए वेट करना होगा, उस लेवल पर जाके वो रीच करेगा तभी आपको वहाँ पर ट्रेड प्लेस करना है। तो देखते हैं इसका क्लोजिंग क्या हो रहा है, देखो एक कैंडल तो यहाँ पे रेड हुआ, बट थोड़ा सा आई थिंक ऊपर जाना चाहिए एक कैंडल, क्योंकि चलो मैं एक लेवल ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड लाइन में यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, मैं क्यों बोल रहा था कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये दो लेवल है, कभी कभी आपको क्या करना है, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल जो भी है ना, ट्रेंड सपोर्ट लेवल जो भी है, अगर आप दो ट्रेंड सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हो थर्ड पॉइंट पे आपका ट्रेंड रेजिस्टेंस जैसे भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर मैं वो दो लेवल को ड्रॉ कर देता हूँ तो उसके हिसाब से मार्केट को ये अपर डायरेक्शन के लिए जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड होता है तो अगला कैंडल मैं अपर के लिए जाऊँगा, अगर ये कैंडल मेरा ग्रीन होता है उस लेवल को जाके टच करता तो आपको क्या करना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट जो है अपर डायरेक्शन के लिए जाएगा, क्योंकि ये जो रेड कैंडल बन रहा है उस ऊपर में जो स्पेस है ना, उस स्पेस को कवर करने के लिए ये मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट रिवर्सल ऐसे कहीं किसी भी पॉइंट से नहीं हो जाता है, समझ रहे हो ना। मार्केट रिवर्सल होने के लिए एक स्ट्रांग लेवल चाहिए, या फिर कोई भी एक मिनी SNR हो सकता है, और या फिर SNR हो सकता है, SNR हो सकता है, VSNR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक लेवल चाहिए जहाँ से वो रिजेक्शन लेके रिवर्स आएगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई वहाँ पे लेवल नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी एक चीज़ को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, ऊपर आपने थ्रो कर दिया, ऊपर में कोई भी एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है, वो मार्केट वो बॉल क्या करेगा, या फिर कुछ भी आपने थ्रो किया वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, ऑटोमेटिकली वो नीचे गिरेगा। वैसे अगर आप देख रहे हो काफ़ी टाइम तक मार्केट ऊपर चल रहा है और वहाँ पे कोई SNR लेवल है नहीं, बट फिर भी वो क्या करता है, वो नीचे गिरता ही है, कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट नीचे आएगा, उसके बाद वो बाउंस बैक होकर फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वेट करना पड़ता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0-0 लेवल पर ही है,
रिफ़ंड हो जाएगा ये। चलो ये रिफ़ंड हो गया, तो मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया क्योंकि दो दो लेवल, दो दो कैंडल जो है सेम लेवल पे क्लोज हुआ। तो अभी मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया क्योंकि इसको ऊपर जाना चाहिए और हमारा जो भी ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ किया हुआ है उस लेवल को जाके टच करके रिजेक्शन लेना चाहिए। अगर उस लेवल को जाके रिजेक्शन लेता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड डाउन के लिए जाएंगे। अगर ये कैंडल उस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड के लिए जा सकते हैं क्योंकि ये ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। बट एज पर एनालिसिस ये कैंडल को अपर, ये दोनों रिफंड हुआ था, लॉस नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं सोचा लॉस हुआ इसलिए मैंने दो की जगह चार ट्रेड प्लेस किया था, बट वो दोनों रिफंड हो गया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चार ट्रेड प्लेस किया और देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, उसी लेवल से जाके ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लेस कर सकते हो क्योंकि दो आप वेट करो एक कैंडल, क्योंकि ये जो रिजेक्शन हुआ उस रिजेक्शन प्रेस फुलफिल करने के लिए मार्केट में भी और एक ग्रीन बन सकता है, बट चांसेस है यहाँ से मार्केट डाउन जाने के लिए। क्यों डाउन जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो कैंडल अभी ओपन हुआ, ये कैंडल देखो एक गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस कैंडल का जो भी क्लोजिंग था उसका ऊपर में जाके ये रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उस गैप को इसने क्या किया, जो भी अपना गैप था ऊपर में उस गैप को इसने ऊपर जा गया। ये जो प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग, अब ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग अगर आप देखे वो ऊपर लेवल है और नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल का ओपनिंग देखो काफ़ी ऊपर है, तो गैप अप ओपन हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया उस स्पेस को कवर करके आके ये जो गैप था वो गैप को फुलफिल किया और मार्केट देखो यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप लेवल टू लेवल आप ट्रेड करोगे आपका एक्यूरेसी भी आपका भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इतना दिन से आप लोग को प्राइस सेक्शन के ऊपर बताते आ रहा हूँ, अगर इतना दिन के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है देन कमेंट सेक्शन में बताना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या फिर आपको रिविजन चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर, वही चीज़ मैं आप लोग को फिर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग के सामने ये भी जो भी है मैंने ट्रेड किया हुआ, ठीक है। तो बस वही है, हाई वोलेटिलिटी मार्केट में आपको परफेक्ट एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। आपको वेट करना होगा पेशेंस के साथ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये कैंडल अगर मेरा रेड डोजी बनता है और ये इस पॉइंट पे क्लोज होता है, ठीक है, हमने जो हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है मैं इसको और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अगर ये कैंडल इसी के ऊपर क्लोज होता है अगला ट्रेड आप अपवर्ड के लिए जा सकते हो। क्यों जा सकते हो, यहाँ पे देखो एक दो तीन, तीन तीन कैंडल सेम लेवल पॉइंट से रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दोनों का कॉम्बाइन पॉइंट लेते हैं ये है, ठीक है, ये एक रिजेक्शन है, ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, ये एक रिजेक्शन, तीनों का कॉम्बाइन पॉइंट ये है, तो एक ही पॉइंट से ऑलमोस्ट तीनों के तीनों कॉमन रिजेक्शन है। तो अगला कैंडल जो चांसेस है 95% चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा के इसको मैं 3-400 कर देता हूँ क्योंकि ये आपका एक सियोरसर पैटर्न में जा रहा है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन के लिए ले लूंगा, बट मेरा गलत एंट्री हुआ, ठीक है। और अगर आप देखोगे हम अपना जो है ये लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये लेवल था और ये एक लेवल था और इसने देखो उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अपना कॉमन लेवल अगर हम लोग लेते तो यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा था और वो लास्ट सेकंड में ऊपर भाग गया, ठीक है। तो और अपने जो भी हम लोग जैसे प्लेस किया अब देखो मार्केट लग गया यहाँ पे, ठीक है। बट ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, एज पर मतलब प्राइस सेक्शन एनालिसिस के हिसाब से, चाहे अपने प्लेसिंग गलत हो सकता है बट एंट्री गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि रिजल्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना प्लेसिंग देखो हमने प्लेस करने के लिए कोशिश किया बट वीडियो बनाने के चक्कर में एक दो सेकंड में क्या होता है वो ऊपर भाग गया, ठीक है, इसलिए मेरा प्लेसिंग जो है थोड़ा ऊपर लग गया, बट एनालिसिस वॉज नॉट रॉन्ग। अगर आप देखोगे उसके हिसाब से ये ट्रेड विन होना चाहिए, ठीक है, देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइलिटी आप देखोगे, काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइलिटी है, फिर भी अपने जो भी है ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, ठीक है। वैसे वैसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करो, आपका एक्यूरेसी धीरे धीरे इंक्रीज हो ही जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, अभी आपको क्या करना है, अगर हम लोग बॉटम साइड में अगर आप लोग हम लोग प्लेस करने वाले हैं ट्रेड, तो अगर मैं इसका सपोर्ट ये लेता हूँ और एक लोअर सपोर्ट में अगर इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखना मार्केट आके अगर ये पॉइंट है और ठीक है, तो अगर ये नीचे आता है और इस लेवल को टच करता है, ठीक है, तो आप अगला कैंडल जो है अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। बट अगर ये इस बीच में गैप रहता है देन आपको वेट करना चाहिए एक कैंडल और के लिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन का यूज कर दिया, हल्का सा स्पेस है, बट मैंने यहाँ पे जो भी है इसका कैंडल का विक से लिया था। अगर मैं इसको बॉडी के साथ कंबाइन करूँगा तो मेरे हिसाब से ये कैंडल ग्रीन होना चाहिए, हल्का सा स्पेस था, बट देखते हैं अगर हो सकता है तो ये कैंडल रेड डोजी बन जाएगा, बट अगला कैंडल 100% ऑफ जाएगा, बट अगर यही जाता है तो ये भी जा सकता है, क्योंकि हल्का सा स्पेस है, वो स्पेस कभी कभी वो रिजेक्शन लेके फिलअप कर देता है। ठीक है, अगर आप देखो लास्ट सेकेंड में मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया, तो इसलिए प्लेसिंग थोड़ा सा, और जो भी ये कैंडल स्टार्ट हुआ इंस्टेंट सेकेंडली ये ऊपर भाग गया। ठीक है, तो कोई ये नहीं है। ठीक है, अब देखना ये कैंडल ग्रीन होगा, अगर ये रेड होता भी है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, वन स्टेप मार्टिंगेल लेके इसको विन करवा देंगे, क्योंकि ये स्पेस को मैं भी ये पूरा करने नीचे आ सकता है, बट एनालिसिस वाइज ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। रिफंड, ये कैंडल रिफंड हो गया, तो इसलिए मैंने एक बार और प्लेस किया हुआ है। देखो मार्केट फ्रीज हो जा रहा है, ऐसे मार्केट में आपको नहीं लेना चाहिए। देखो 1 मिनट का आप ट्रेड ले रहे हो, 1 मिनट से अगर 30 सेकंड मार्केट फ्रीज ही रहेगा तो फिर आपका प्लेसिंग मूवमेंट कैसे होगा? अगर आपके अगेंस्ट में चला गया उसके बाद क्या मतलब कैंडल जो है ऐसे क्या होता है कि फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होता है, तो फिर वो सब कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपको वो सब मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, और जहाँ पे मार्केट स्मूथली मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे आपको लेना चाहिए। ऐसा में क्या हो रहा है कि मार्केट जा रहा है वहाँ पे एक एक ही परसेंट रुका हुआ है, फिर सडनली आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और बस ये हमारा लेवल जो है यहाँ पे लेवल है, और इस पोजिशन में भी अभी हल्का सा स्पेस है, ये भी डोजी बना, बट मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं, आप लोगों के सामने ही मैं बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, और विथ डीप एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, बस वही है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से आज और नहीं करना चाहिए। और ये जो भी अपना विड्रॉल था, इसका विड्रॉल प्रूफ भी मैं आपको डाल दूंगा, विड्रॉल प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे विड्रॉल सेक्शन में जाके। ये हमने आज एक BTC में विड्रॉल डाला है $13,600 का। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट था, आई थिंक 18,600 था, मैंने 5,000 बैलेंस रख के इसको 13,600 मैंने विड्रॉल डाला था, और अभी अगर आप बैलेंस देखोगे ये अभी भी $9,000 है। तो अभी का जो भी वीडियो बनाने के टाइम यहाँ पे भी काफ़ी सारा ट्रेड विन हुआ है। ठीक है, तो गाइस देखो आपको प्रॉपरली थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट फॉलो करना होगा, एक्यूरेसी देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो हम लोग नॉन मार्टिंगल सिग्नल फॉलो करते हैं, अगर कभी कभी बाई चांस रेड डोजी या ग्रीन डोजी बना के वो लॉस हो जाता है तो वहाँ पे बोल देता हूँ कि डबल अमाउंट का सेम डायरेक्शन में लेना चाहिए, बट अभी जो है अपना VIP ग्रुप का जो एक्यूरेसी है 95% केसेस ट्रेड जो होता है डायरेक्टली विन हो जाता है। ठीक है, मार्टिंगल की जरूरत होता ही नहीं। अगर आप आज की रिजल्ट अगर आप देखोगे, मैंने मॉर्निंग के टाइम जो भी 10 सिग्नल दिया था, अभी एक गया दिया था 11 सिग्नल, 11 में से 8 एक 9 सिग्नल विन है, 2 ट्रेड लॉस है। ठीक है, तो गाइज लॉस तो होता ही है, मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 में से 10 विन करोगे, कल में हम लोग जैसे 10 सिग्नल दिए थे 10 में से 10 विन था। ठीक है, अगर आप देखोगे कल का, कल मॉर्निंग के टाइम 6 सिग्नल दिया गया था, 6 से 6 विन था, इवनिंग को मैंने रात को 4 सिग्नल दिया था, 4 के 4 विन हुआ था, तो टोटल 10 में से 10 विन था कल के डेट का। उसका प्रीवियस वाला डे का मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो गाइज इतना एक्यूरेसी सिग्नल और इतना ज़्यादा सिग्नल आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे VIP ग्रुप में 4 सिग्नल दिया था, 4 के 4 विन था, प्री ग्रुप में भी आई थिंक 3 सिग्नल दिया था उस दिन, 3 के 3 विन हुआ था। ठीक है, तो ऐसे 7 से 10 सिग्नल आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे भी देखो 7 सिग्नल दिया था, 6 विन था, 1 लॉस था। ठीक है, अगर आपको VIP ग्रुप में ज्वाइन होना है और ऐसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट करना है देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, उसके लिए आपको किसी को भी कुछ भी चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली मेरे टेलीग्राम ग्रुप का अगर मेंबर नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक मिल जाएगा, मेरा जो भी है क्रिएट कोटेक्स अकाउंट लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है देन आप अकाउंट को डिलीट करके न्यू अकाउंट मेरे लिंक से क्रिएट कर सकते। एंड गाइज वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, बाय बाय।